एग्जाम्स को लेकर अभी भी बहुत महत्वपूर्ण सूचना जारी की, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इस वीडियो में बात करें कि ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं, अभी का नोटिस है और एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर, एग्जाम की डेट को लेकर, फीस पेमेंट को लेकर बहुत महत्वपूर्ण सूचना। उसका छात्र कोई डाउट है वो बात करेंगे तो ऑफिशियल नोटिस से वीडियो पूरा देखें, क्योंकि फिर आपको आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कई सारे छात्रों ने डिमांड करी थी। तो गुड न्यूज़ है, हमने भी यही डिमांड करी थी कि डेट को बढ़ाया जाए। तो हालांकि अभी मैंने कुछ देर पहले वीडियो बनाया भी था, तो 1 घंटे के बाद ऑफिशियल सर्कुलर भी आ चुका है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, किया पूरी अपडेट। देखिए गाइस, यहाँ पे KTU की तरफ से आज का सर्कुलर है, इसमें क्या मेंशन है कि कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि शरीर से 2022 से इसके विषम सेमेस्टर के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर तथा थर्ड सेमेस्टर के विभिन्न पाठ्यक्रमों जो एग्जाम्स होने वाले हैं, स्नातक पर स्नातक यानी कि बीटेक एमटेक बीफार्मा एमफार्मा सभी के लिए बात हो रही है, एमबीए एमसीए सभी की बात हो रही है, रेगुलर तथा सीओपी दोनों की बात हो रही है। रेगुलर कैरियर विषयों का जो द्वितीय चरण के एग्जाम्स होने वाले हैं, 28 फरवरी से तक फॉर्म और पेमेंट करने की डेट को बताया गया था। कई सारे छात्र पूछ भी रहते थे, तो देखिए नोटिस में क्या मेंशन है कि उक्त के संबंध में कतिपय संस्थाओं द्वारा छात्रों के द्वारा अनुरोध को किए गए स्वीकार करते हुए द्वितीय चरण के जो एग्जाम्स होने वाले रेगुलर कैरियर की परीक्षाओं के परीक्षा फॉर्म भरने तथा पेमेंट करने की जो डेट है, पेमेंट शुल्क यानी कि परीक्षा शुल्क के डेट करने को 10 मार्च से 10 मार्च तक यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म जो डेट है 10 मार्च तक बढ़ाने तथा पेमेंट की डेट को 11 मार्च तक बढ़ाने को लेकर नोटिस जारी किया गया। आगे मेंशन है कि आपसे अनुरोध है कि नियमानुसार समय अनुसार परीक्षा फॉर्म तथा निर्धारित शुल्क जमा करने का कष्ट करें, यानी आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर तथा जो छात्र आपके क्लासमेट वगैरह हैं उनको भी ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक, क्योंकि आप तक हम वीडियो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, तो आपको भी एक कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। जो कमेंट है रवि प्रकाश, क्या करें प्लीज़ सर डिग्री के लिए। डिग्री भाई देखिए, आपका डिजी लॉकर पे 7 दिन के अंदर आ जाएगी और 20 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर आ जाएगी, यही इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा सर मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिए थे, विशाल कह रहे हैं भर दिया, लेकिन फीस पेमेंट कर दीजिए और बैंक से पैसे भी कट गए हैं, तो 72 घंटे तक वेट करिए, अगर 72 घंटे में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू रिफंड हो जाता है। और जो मेल आईडी वहाँ पे मेंशन है वहाँ पे मेल आईडी पे मेल कर दीजिए, ठीक है। और इंटरनल CGPA रूल को लेकर, आई नीड इंटरनल CGPA रूल, तो आई नीड इंटरनल CGPA रूल क्या होता है, उसमें कोई रूल ही नहीं है, बाकी आप वीडियो देख लीजिए, ग्रेस रूल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा जो दूसरे आर्मी स्टूडेंट हैं, कह रहे सर क्या आर्मी के स्टूडेंट हैं, कार्मी करके और आर्मी राखी, क्या हम पास आउट स्टूडेंट प्रैक्टिकल एग्जाम फीस बिल्कुल दे सकते हैं, आप कैरीवर जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसमें आप फॉर्म भर के दे सकते हैं। शैलेश कुमार कह रहे सर, सर SCUP रिजल्ट आया था उसमें पास था बट वन भी मार्क्स कम शो हो रहा है, तो आप लोग मुझे एक अप्लीकेशन भेज दीजिए, ठीक है। अप्लीकेशन लिख के, जिसमें अप्लीकेशन में रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी लिखना, वहाँ पर लिख के आप मुझे भेज सकते हैं, फिर AKTU कॉल सेंटर वाले मेल आईडी भेज सकते हैं, ठीक है। और मुझे भेजने के लिए आपको हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज मुझे इंस्टा ट्विटर पे भी भेज सकते हैं, ठीक है। डेयरिंग डेयरिंग बॉयज क्या कह रहे हैं सर, मैं मार्क्स गलत अपडेट कर दिया था, सर मेरे मार्क्स गलत अपडेट कर दिया था, वन पे मैं सर कैडीवर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 31:61 का रेशियो 31:61 था और अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 31 और CSS में 16 कर दिया है। जो भी इशू आप अप्लीकेशन लिखिए उसमें आप रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ लिख के पूरा अप्लीकेशन डिटेल में लिख के आप मुझे शेयर कर दीजिए। अनवारुल अंसारी कह रहे हैं सर इसमें डेट 6 अप्रैल दिखा रहा है, किसमें भाई। आगे यहाँ पे एक स्टूडेंट कह रहे हैं रिजल्ट अभी तक 1वीं पे अपडेट नहीं हुआ, हो जाएगा, अगर आपका अभी भी नहीं हुआ तो आप अप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ रोल नंबर लिख के मुझे भेज सकते हैं। अर्पित कह रहे हैं सर हम लोगों का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, सब में बैक शो हो रहा है, जो भी इशू है अप्लीकेशन लिखिए। अभिषेक कह रहे थैंक यू सो मच, वेलकम अभिषेक जी। अर्पित कह रहे हैं फर्स्ट व्यू और सवेरे चैलेंज का रिजल्ट अभी ख़राब हो गया है, काफ़ी अच्छी थी लेकिन मार्क्स नहीं मिला। मार्क्स नहीं मिला का मतलब ये हुआ आपको 0 नंबर मिला है, या आपको लग रहा है चैलेंज के बाद भी अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आए हैं तो उसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ कैंपेन हम लोग चला सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कैंपेन चलाया भी था, तो अगर आप लोग ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट करेंगे कम से कम 400 से 500, क्योंकि हम ट्वीट करते हैं तो उस पर रिट्वीट आता नहीं है, 25-50 रिट्वीट से कोई मतलब नहीं, जब तक 1500 में ना आए, तो इसलिए आप 1500 अगर बच्चे होते हैं तो हम लोग ट्वीट और रिट्वीट करवा सकते हैं और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, रूल यही है चैलेंज के बाद उसमें आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो यही थी अपडेट, आपकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की डेट है उसको AKTU ने 10 मार्च और फीस पेमेंट की डेट को 11 मार्च तक कर दिया है। कोई और डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, और अभी हमारा Math 4 सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी Part 3, तो आप लोग उसको भी वॉच कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की वीडियो अपलोड हुई है 1 घंटे पहले, आप जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर।